फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ, मैं आज अपन क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ मैं क्रिस्पी चिकन चीज स्टिक। इतनी बड़ी रेसिपी? इतनी बड़ा नाम है रेसिपी, इतनी बड़ी नहीं है। तो भाई आज फिर से अपन कुछ अलग चिकन की रेसिपी बनाने वाले हैं। हाँ, इफ्तार के लिए। हाँ, तो मैं कुछ अलग होगी या नहीं? इंशाल्लाह अलग होगी। हाँ, तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे। क्या जमी क्रिस्पी चिकन चीज स्टिक बनाने के लिए क्या क्या लेंगे? चल, तो सबसे पहले लेंगे हम चिकन, मैदे का आटा, मोजरेला चीज, ब्रेड क्रम, कोथमीर, काली मिर्च की बुक्की, नींबू, हरी मिर्ची, पुदीना, प्याज, चिल्ली फ्लेक्स, अदरक लहसुन, गरम मसाला पाउडर। यहाँ लेंगे हम हल्दी की बुक्की, मिर्ची की बुक्की, धनिया की बुक्की, जीरे की बुक्की। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो यहाँ पर मैंने आटा ले ली हूँ एक बाटी भर के। इसको हम भून लेंगे पहले। इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। ये मैदा है, गेहूँ का आटा नहीं है, ठीक है। इसमें हम डालेंगे नमक थोड़ा सा। अब यहाँ पर मैं ये तीनों चीज़ों को पहले मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से हाथों से। तो यहाँ पे तेल और नमक अच्छे से मैंने मिक्स कर ली हूँ। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से आटा गूंद लेंगे, लेकिन एकदम सॉफ्ट वाला नहीं गूंदेंगे, थोड़ा सा कड़क रखेंगे। और यहाँ पर आप लोग मेरी आवाज़ पर बिल्कुल भी मत जाना, थोड़ा सा बर्फ ज़्यादा हो गया है, जूस ज़्यादा पी ली हूँ, आवाज बैठ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आटा अच्छे से गूंद ली हूँ इस तरीके से। ज़्यादा नरम नहीं करी हूँ क्योंकि ये खुद ब खुद नरम हो जाएगा थोड़ी देर में। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा तेल लगा के ढक के इसको रख दूंगी, ठीक है ना। तो आटा गूंद के मैंने रख दी हूँ सेट होने के लिए। अब आते हैं हमारे चिकन की तरफ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले मसाले पीस लूँगी। यहाँ मैंने हरी मिर्ची ली हूँ, ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं है इसके लिए। और यहाँ पे ले लेंगे हम कोथमीर, डंडी के साथ ले ली हूँ मैंने ताकि इसका फ्लेवर अच्छा आए। और यहाँ पर हम डालेंगे थोड़े से पुदीने। इसी के साथ मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ एक छोटी साइज़ की प्याज, ठीक है। और इसी के हम अंदर डालेंगे 2 चम्मच ब्रेड क्रम। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहला मैं ये इसको पीस लूँगी। तो यहाँ पर मैंने हरा मसाला अच्छे से पीस ली हूँ। अब क्या करेंगे हम, इसमें डालेंगे चिकन। ये 1/2 किलो चिकन है, मैंने इसकी छोटी छोटी बोटी को अच्छे से कट कर ली हूँ घर में ला के, ताकि अच्छे से पीस जाए। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप अदरक लहसुन अक्खे भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर पेस्ट का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे डालूँगी मैं 1/2 चम्मच काली मिर्च बुक्की, 1/2 चम्मच गरम मसाला। अब यहाँ पे हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच भर के, धनिया पाउडर 1 चम्मच, और आधा चम्मच से भी कम हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, ठीक है। अब हम डालेंगे इसमें नमक। नमक मैं मेरे हिसाब से ले रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से ले लेना, ठीक है। अब हम इसमें 1/2 नींबू का जूस डाल देंगे। अभी इसको भी मैं अच्छे से बारीक पीस के लेके आती हूँ। तो यहाँ पर चिकन को अच्छे से मैंने बारीक पीस ली हूँ। अब हम इसको निकाल लेंगे। पिछले बारी को पूरा ये सब साथ ही में आ गया था। हाँ, अंदर ये मशीन निकल लेते हैं। नहीं, निकालते ही है, मशीन को निकाल के ही निकालना पड़ता है, इसको भी साफ करना पड़ता है ना। अब आराम से निकल जाएगा। इसको अच्छी तरीके से मैं निकाल लेती, अंदर एक कबाब का मसाला रह जाता है। तो यहाँ पर मैंने सारा चिकन अच्छे से निकाल ली हूँ। अब हम इसको रख देंगे ढक के एक साइड में। और अब हम ले लेंगे आटा। तो यहाँ पे आटा भी मेरा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे, थोड़ा सा इसको मसल लेती हूँ।
तो यहाँ पे आटे को भी अच्छे से मसल लियो मैंने। अब यहाँ पे मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बना लूंगी, तो यहाँ पे पेड़े मैं सब रख दूंगी इसमें। और एक पेड़ा ले लेंगे हम, अब हम इसको बेल बेल के रखते जाएंगे। यहाँ हमने सूखा आटा भी ले लिए है, अभी इसको इतना बड़ा बेलना है कि हमारी जो डंडी है हम लेंगे, स्टिक लेंगे, वो इसको अच्छे से कवर कर पाए। इससे ज़्यादा बड़ी भी नहीं लेना बेलना और इससे ज़्यादा छोटा भी नहीं बेलना, इसके हिसाब से बेलना ताकि हमारी डंडी पकड़ने में भी आए और कवर भी कर ले, ठीक है। तो मैं अभी इसको इतना ही बड़ा बेलूँगी, तो मैं इतना बड़ा ही इधर बेल रही हूँ, ठीक है। अब हम इसको यहाँ रखते जाएंगे और ये थोड़ा सा ढकते जाएंगे। इसी तरीके से मैं दूसरा पेड़ा भी ले लूँगी और इसको भी बेल लूँगी। तो यहाँ पे छोटी छोटी पूरियाँ मैं बेल के रख ली हूँ अच्छे से और एक यहाँ ले ली हूँ। अब क्या करेंगे हम इसको कट लगा लेंगे आराम से, इसको पूरा कट लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से कट लगा ली हूँ। अब क्या करेंगे हम इसके अंदर हमारा ये ग्रीन चिकन का जो है कबाब रख लेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा तेल ले लेती हूँ हाथ में और एक बॉल बना लेंगे। बॉल देखो छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से जितना चाहिए आप कर सकते हैं, पतला मोटा, है ना। ये तो एकदम यूनिक रेसिपी बना रहे हैं। हाँ अलग से है कुछ। अब क्या करेंगे हम इसके साइज का, देखो आपको जितना बड़ा करना है इतना बड़ा ही हो सकता है, और ज़्यादा बड़ा करना है तो आपको पन्नी की हेल्प लगेगी, थोड़ा सा वो बड़ा करने में टूट जाता है, इसलिए मैं ये साइज़ का बना रही हूँ, एकदम परफेक्ट आपके हाथों से बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम ये हम इस तरीके से लगा लिए है, इधर हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे हल्के हाथ से, थोड़ा सा पानी इसको सेट कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मोज़रेला चीज़। अच्छा ये भी चीज़ कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, ठीक है ना। इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। अब हम क्या करेंगे इसको ये साइड से थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे मैंने डंडी को भी धो के अच्छे से ले ली हूँ। ये हम लगाएंगे अभी कुल्फी की तरह बीच में, है ना, और यहाँ से हम अभी इसको आराम से फोल्ड करते जाएंगे और इसका रोल बना लेंगे ये कुछ इस तरीके से। ये आराम से चिपक जाता है, तलने के टाइम बिल्कुल नहीं निकलता है, इसके लिए इसको ज़रा भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। इस तरीके से तैयार कर ली हूँ। अब हम रखते जाएंगे एक प्लेट में। अब मैं इसी तरीके से दूसरी भी तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सब तैयार कर ली हूँ और यहाँ पे तेल भी गर्म कर ली थी, ये बना बनाया तक तेल भी हमारा गर्म हो गया है। अब क्या करेंगे हम बिस्मिल्लाह करके डालेंगे एक एक, और यहाँ पे तेल एकदम ज़्यादा गर्म नहीं करना क्योंकि हमको करारे करारे ऊपर का जो हमने आटा गूंदे है उसको भी करारे करारे तलना है और हमारा चिकन भी अच्छे से पकना है, इसके लिए एकदम फास्ट आंच पे नहीं बनाएंगे, ठीक है। अभी इसको 2 मिनट तक हम ऐसी ही स्लो आंच पे पकने देंगे। तो यहाँ पे 2 मिनट में अच्छे से पकने दी हूँ, अब हम इसको पलटी कर लेंगे। मस्त करारे करारे क्रिस्पी क्रिस्पी बनते हैं इस तरीके से। थोड़ी थोड़ी चीज़ डालना, ज़्यादा नहीं डालना। एक तो हमने चीज़ से भरा हुआ ही बना दिया कबाब, हमारा आटा ख़त्म हो गया था तो मैंने कबाब के अंदर चीज़ मस्त वाला भर दी। अब इसको आराम से सुनहरी हुए तक अल्टी पल्टी करके हम फ्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सुनहरी हुए तक मैंने अच्छे से फ्राई कर ली हूँ, 7-8 मिनट लगे मुझे फ्राई करने में। अब हम इसको निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह।
ऐसी रमजान में अफ्तारियों में ढूंढते रहते ना क्रंची क्रंची कुछ खाने के लिए, तो थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो लेकिन चाहिए में कुछ अलग रेसिपी है। तो इसी तरीके से अभी हम सारे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे सारे चिकन स्टिक तैयार हो गए माशाल्लाह। तो दोस्तों तैयार हो गया अपना क्रिस्पी क्रिस्पी चिकन चीजी स्टिक, ये पक्का स्टिक बोल सकते हैं। मेरे को तो लग रहा है क्रिस्पी क्रिस्पी चिकन चीजी रोल अच्छा लगेगा, देख रहे बोलो जो मस्त बनाया मैंने। मेरा यही प्रॉब्लम है, मुझे बोलने से ज्यादा टेस्ट और उसके खाने से मतलब होता है। देख रहे कितनी परफेक्ट और कितनी मस्त, बोलते ना एक यूनिक सी रेसिपी बनी है ये। आप भी भाई आपके इफ्तार के मौके पे इस रमजान में जरूर ये रेसिपी बनाना। शेजवान चटनी में डिप करो, केचप में डिप करो, हरी चटनी में, चीज वाली चटनी में, जो चटनी आपकी फेवरेट है उसमें स्टिक को डिप करो और खाओ। हाँ। मस्त क्रंची क्रंची। और मैं क्या बोला था भूल गया, चिकन वाला। हाँ मैं ये बोल रहा था कि ये रेसिपी दिख रही थी हार्ड, लेकिन उतनी हार्ड नहीं थी ना, इजी नहीं थी, हार्ड नहीं थी बिल्कुल भी। देखो हम उतना ही टाइम अंडे और ब्रेड क्रम में भी लगाते हैं, और उतना ही टाइम हमारे वो पूरी बेलने में गया है, और क्या है बस वो कट करने का है और कुछ भारी। ये रेसिपी थोड़ी ट्रिक वाली थी, ये खाली वो जो कटिंग जिसपे ये लाइने आई है, बस बस ये कटिंग थोड़ा ना इजीली और अच्छे से करने का, तब जाके ये ऐसा शेप और ऐसा लुक आता है इसका। बाकी ये कहीं से पटेगा नहीं, कहीं से निकलेगा नहीं। हाँ। क्योंकि हम बिना ये स्टिक लपटे भी ये सीख पकाते हैं ना तो भी नहीं फूटता है। हाँ। क्योंकि हमने उसमें 2-3 चम्मच ब्रेड क्रम भी ऐड करे थे, तो कबाब इधर से निकल रहा है या पट्टी में से अलग हो रहा उसका टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि आपके कबाब बिल्कुल नहीं पटेंगे। बस ये क्रिस्पी होने के लिए हम ये पट्टी का रोल दे रहे हैं इसपे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है अपनी, ये स्टिक यूज करना जरूरी है या फिर बिना स्टिक के भी ऐसा गोल शेप में बन जाएगा? वो तो और भी अच्छा, और भी अच्छा। अब ये डंडी किस किस को मिली किसको नहीं मिली तो परेशानी, आंटी डंडी कहाँ से लाएंगे। तो मेरा तो हिसाब किताब वो है जो अपने घर में बेस्ट है वही बना। तो बिना डंडी के भी आप लोग दोनों तरफ से मोड़ लो और रोल कर लो, पूरा मतलब सीखते सा बन ही जाएगा। बस और मटन में भी बनेगी ना फिर ये रेसिपी? हाँ मटन में भी बनेगी। ये बनने से पहले हरा था तो मुझे लग रहा था कि हरा हरा भी होगा, लेकिन ये बनने के बाद इसका लुक है ना कुछ ऐसा हो गया है, थोड़ा चॉकलेटी जैसा। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मटन है। तो हमको इसको कुरकुरे करना था ना, धीमी आंच पे पकाना था, करारे बनाना था, तो मैंने धीमी आंच पे तली। अगर फास्ट आंच पे फटाफट तल देती चिकन तो बन जाता हमारा, लेकिन ये जो है ना मैदे का जो आटा है अंदर भी लपटा गया है ना, तो वो भी पक के जाना चाहिए, वो भी कुरकुरा होना चाहिए। तो इसके लिए ये थोड़ा सा लाल कलर हुआ है, लेकिन जला नहीं है, टेस्टी है एक नंबर। तो फिर भाई अभी आप लोग बताना कि यूनिक सा और अलग सा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। मैंने देखो कबाब भी बनाया है, अगर आप लोगों को भी खाली कबाब बनाना है ये मसालों में अंदर चीज डाल के, तो आप भी ऐसा कबाब बना सकते हैं। मैं ये बोल रहा था कि आपको ये यूनिक और अलग सी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो। जो हमारे चैनल पे नया है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। और मैं वेट कर रही हूँ, मुझे मेरे सब्सक्राइबर सजेशन देंगे। हाँ, सजेशन किया रहे लोगों के। वो बना पहले मेरे चैनल पे बहुत ज्यादा सजेशन आते थे, अभी नहीं आ रहे। आंटी बनाओ करके कर रहे। अभी मैं इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ ना सोच सोच के कि क्या पकाऊं। थोड़ा सा भी ही मिलेगा ना आप लोगों की तरफ से तो मैं जरूर बनाऊंगी अच्छी से अच्छी रेसिपी। थोड़ा क्या ध्यान में आने के लिए भी टाइम लगता है। हाँ। इसके लिए आप लोग थोड़ा कमेंट्स करो और भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि अलग सी रेसिपी सब जगह पहुंच सके और वो लोग अपने घर पे बना सके। रोजा लग गया। हाँ, मेरी तो आवाज ही का है वो भी डब्बा गुल। हमें तरावी की नमाज पढ़ाने गए थे ना। रोजा खोली इतनी प्यास लग रही थी, फ्रिज की बोतल ली सीधा मुंह पर लगा ली, पूरा ठंडा ठंडा पानी पी ली। अब दूसरे दिन पता चल रहा है कि नहीं पीना चाहिए था। ठीक है चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। याद रखना अपना ख्याल रखना।